ऑलराइट, तो कैसे मेरे सही दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो यार इस वीडियो में हम लोग सुपर सैयन 2 केफला का शोकेस करने वाले हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन यूनिट थी और इसको ऑलमोस्ट 2 साल होने को है। सेकेंड एनिवर्सरी के जस्ट पहले इसका एक बैनर ड्रॉप हुआ था, ये और गोटेंक्स का, दोनों ही कमाल की यूनिट थे, बट ये बहुत ज़्यादा ब्रोकन थी। जी डियर यूनिट उस टाइम की सबसे नंबर 1 पे थी। और देख रहे मेरे पास 14 स्टार ऑलरेडी है और इस टीम पे मैं यूज़ करूँगा इसको फ्यूजन की टीम पे। और इक्विपमेंट मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ कि ये आपको पूरा, मैं इसको पूरी तरह से प्योर बेस स्ट्राइक देने की पूरी कोशिश की है, मतलब बेस स्ट्राइक है। और यहाँ पर 30% आप देख रहे हो 35 में से, और यहाँ पर भी देख रहे हो कि थोड़ा ब्लास्ट डिफेंसेज हैं और स्ट्राइक अटैक ही है ऑलमोस्ट 22% के आसपास। और इस वाले इक्विपमेंट में भी बेस स्ट्राइक अटैक ही है ऑलमोस्ट 20%। तो मैंने इसको पूरा बेस स्ट्राइक अटैक देने की कोशिश की है, स्ट्राइक ओरिएंटेड, क्योंकि ये जानते हो मेले टाइप यूनिट है, तो इसको मैंने बेस स्ट्राइक ही देने की पूरी कोशिश की है। तो फटाफट हम चलते हैं पीवी में इस टीम के साथ और देखते हैं क्या केफला अभी भी अपना, मतलब वो जो एक, मतलब वो पुराना वाला तुरोपता नहीं होल्ड कर सकती है, बट देखते हैं कि इस मेटा में क्या कर सकती है, राइट। तो फटाफट चलो चलते हैं और पीवी में जम करते हैं। ऑलराइट, तो पहला मैच आ चुका है हमारे इस वीडियो का और देख रहे हो कि बंदे ना सुपर सैयन बोल, नहीं यार सैयन बोलना ठीक रहेगा क्योंकि सुपर सैयन 3 भी है और ये सुपर सैयन गॉड भी है इसके पास। तो मैं स्विच कर दूंगा क्योंकि इसका 2 है, तो अगर देखता हूँ उसको मैं कैच कर पाया तो ब्लू कार्ड से ज़्यादा चाहिए, लेकिन मैंने आई थिंक कैच नहीं कर पाया और उसने स्विच भी कर दिया और मैं यहाँ डायरेक्ट चला गया। ओ नो, तो मुझे तुरंत चेंज करना पड़ेगा। और इसमें माजूब में थोड़ा टैंक कर पाइए क्योंकि केफला बिल्कुल भी टैंक नहीं कर सकती है और शुरू से ही टैंक नहीं करती, यही नहीं कि बहुत ओल्ड हो गई है तो टैंक नहीं कर पा रही, ऐसा कुछ नहीं है। वो 2 साल हो गए ऑलमोस्ट और उस टाइम भी जब आई थी तो ग्लास कैनन ही थी, तो फिलहाल अभी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, थोड़ा सा डिफेंसेज भी लैग करेंगे। लेकिन हम उसको कैच करने की कोशिश करते हैं, आई थिंक मैंने आवाज़ सुन ली है इसे और लेट्स गो भाई। ये सुपर गोजीट, आई हेट दिस गाय नाउ, ये किसी का भी शो स्टील कर सकता है। आई लव यू रू, मैं मजाक कर रहा हूँ। ओके तो मैं बता रहा हूँ कि देखो अभी ये केफला का शो स्टील कर रहा है, इससे पहले इसका मेन यूज़ करके कोशिश करते हैं कि केफला ही जीते। तो लेट्स गो, आई थिंक किल नहीं करेगा अल्टीमेट पे, काफ़ी अच्छा खासा डैमेज जरूर होगा। लेट्स गो, ओके ऑलमोस्ट किल कर लिया था यू नो। तो ये ग्रीन कार्ड मैं सेव करूँगा केफला के लिए, देखते हैं क्या कर सकते हैं। ओके लेट्स सी, टाइम स्टॉप किया बट कुछ हुआ नहीं यहाँ पर। ओके हीलिंग मिलती है 10% की और डैमेज इन्फ्लिक्टेड मिलता है काफ़ी ज़्यादा। ओके भाई साहब, मुझे टैप ले जाना चाहिए था पर वहाँ मैंने स्ट्राइक कर दिया था। तो आपको पता है जो केफला का ये पैसिव है, यहाँ मैं सीधे उड़ते हुए जाऊँगा तो ओरा 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 ये सीन आ गया। वो जो जापानीज वॉइस था उसमें इसका साउंड है ओरा ओरा ओरा, और इसमें तो नहीं आता है लेकिन काफ़ी सही है। आई थिंक स्विच नहीं करना चाहता है। ओके लेट गो फॉर द अल्ट, अल्ट पे आपको पता है कि 30% का पेंट है, 100% सब्टेन डैमेज का पेंटेशन भी है। तो लेट्स सी, ओके लेट्स गो, पेंट मिल गया और इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, ये समझेगा ये मेरा शोकेस खराब करने की कोशिश है। डाई, ओके तो यहाँ आरआर कर देते हैं और ब्लास्ट यूज करते हैं, लेट्स सी वरना क्या लेता है। सो आरआर गेस तो हुआ नहीं। तो गाइस जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं या पहली बार वीडियोज को देख रहे हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार डू लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो यार, सपोर्ट करो अपने इंडियन डिविजन कम्युनिटी को। जब आप इतने अच्छे गेम्स को सपोर्ट कर, अदर गेम्स को सपोर्ट कर सकते हो तो हमारे इस फेवरेट गेम को सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते। प्लीज़ डू सपोर्ट करो और बेटर से बेटर क्वालिटी कंटेंट लाने की पूरी कोशिश करता हूँ मैं आपके लिए। तो यहाँ पर मैं स्विच करूँगा क्योंकि वेनिश नहीं है तो यार केफला को मार सकता है। तो लेट्स सी, ग्रीन कार्ड हैंड में है, देखते हैं अटैक। वो बैक डैश कर लिया उसने, देख लिया उसने नाइस, मतलब उस बंदे को मतलब पता है कि सामने वाले पास ग्रीन कार्ड हो सकता है इसलिए वो चला गया। लेट्स सी, माजू के साथ मैंने कभी खेला नहीं है, ये फर्स्ट मैच है मेरा माजू के साथ लिटरली। मैंने इसके लिए उसको अभी सोल बूस्ट किया और लेवल 5000 किया, इसके मैं इसका पहली बार खेल रहा हूँ इस यूनिट के साथ क्योंकि था नहीं मेरे पास। और मेरे को शायद जब मिला भी था तो 1800 जी पावर पर एक ही कॉपी मिली थी, उसके बाद शायद 600 करके मिली है, तो सेम सर हो गया था। तो मैं कहा लेट्स यूज़ कर लेते हैं इसको।
और भाई अब ये खत्म है, ये इनको कोई नहीं सेव कर सकता। लेट्स सी, देखो ब्लू यूनिट को नहीं छोड़ने वाली है भाई, दो और ये तीसरे स्ट्राइक में काम खत्म। लेट्स गो कैफला। तो सी स्टील इज द बीस्ट, लेकिन क्या करो, मोनो पर्पल बहुत ज़्यादा हो गए थे और यार तो कर दिया था लेकिन वहाँ लेट हो गया गाइस। तो फटाफट चलते हैं अपने नेक्स्ट मैच में, और गाइस फिर से एक बार बोल रहा हूँ, अच्छी लग रही हो तो जरूर यार लाइक वाला बटन जरूर दाब देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन ऑन कर देना। तो लेट्स जंप इनटू आवर नेक्स्ट मैच। ऑलराइट, तो जो आप सेकेंड मैच ये जो आप देख रहे हो यार, आपने यूनिट्स पे स्टार्स देखे हैं इस बंदे के, 14-14 स्टार है भी भाई साहब, पैसा है इस बंदे के पास। ओके ओके, तो सीधे घुस जाऊंगा मैं और ओके भाई डॉच कर लेंगे यहाँ पर। तो लेट्स सी जो फ्यूजन का ओरा वाला सीन है ना भाई, अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने कॉमर जानूस के ड्रॉप किया, पता है कि सुपर वेजेंट के लिए जाएगा ये। ओके तो मैं स्विच नहीं करूँगा क्योंकि यार शोकेस इस का इस बंदी का, तो फिर शो चेंज करने का नहीं बनता। ओके अब स्विच करूँगा, कार्ड सारे खत्म हो गए हैं, हमारा जो ग्रीन कार्ड है अगर से अटैक करता है तो फिर ग्रीन कार्ड ले जाते हैं हम। ओके लेट्स सी, साइड से के लिए भी गया वो। ओके नाइस, तो यहाँ पर शायद कवर नोटिफिकेशन होती है 3 टाइम अकाउंट के लिए। माजूब को मैं पहली बार यूज़ कर रहा हूँ पहली बार, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है जब मुझे मिला नहीं था स्टार्टिंग वाले बैनर पर, जब ऐसा फ्री आया था ऐसा फ्री, और दोनों नहीं मिले थे, और जो 1800 वाला जी पाओ था उससे भी मुझे बस एक कॉपी शायद मिली है इसकी, उसके बाद से पता 600 करके मुझे S7 स्टार हुआ है। तो सीधे जाऊँगा मैं अपने कैफला के लिए और RR करूँगा। नो भाई, इस टीम के खिलाफ देख रहे हो, ये कैफला मर जाएगी पर ये टीम नहीं मरेगी। ओके ब्लू कार्ड आया, मैंने गलती हो गया मेरे से यार, ब्लू कार्ड मुझे मतलब नहीं लेना चाहिए था। आई थिंक ये किल नहीं कर पाएगी सुपर वेजिटो को, क्योंकि बहुत टैंकी यार, वो 14 स्टार है और एक ग्रीन यूनिट है। लेट्स सी किल हो सकता है, नहीं बहुत ही क्लोज होगा। ओह माय गॉश, बच गया। ओके नेट सी लेट, कोई दिक्कत नहीं है। मेन एबिलिटी यूज़ करते हैं, देखते हैं कि ओके नाइस मिल गया हमें यहाँ पर परफेक्ट। आई थिंक वो स्विच करेगा, इससे पहले स्विच करे, नहीं स्विच किया उसने। ओह माय गॉश, उसने बचाया नहीं अपने यार उसको। आई थिंक ऐसा स्पोर्ट था नहीं शायद, मेरे ख्याल से अवेलेबल नहीं रहा होगा। ओके एनएफ था जीतने के लिए। ओके तो लेट्स गो, मुझे थोड़ा सा और आगे जाके करना चाहिए था एक स्ट्राइक करके। आई थिंक नहीं लगता कि वो लाता अपने सुपर गोजिता को। ओके लेट्स सी, ओके लेट्स गो, देखते हैं कि मार पाती है कि नहीं इसको। ओके नहीं, फ्रेंड तो मिलेगा नहीं क्योंकि इम्यून है शायद, मार खाने के बाद इम्यून फ्रेंड मिल जाता है। बट लेट्स गो, यहाँ मुझे यार मुझे वेट करना चाहिए क्योंकि ये बंदा हमेशा साइड स्टेक के लिए जा रहा था। ओके अब आप भाई ये देखो, अब ये देखना उस बंदे को अभी तक एक भी बार भी मौका नहीं, चांस नहीं मिला था। एक स्ट्राइक, एक ब्लास्ट और एक अल्ट कर रहा है और आराम से मेरा एक मिनट मार के ले जाएगा भाई। तो यहाँ पर स्किल, इस पोजीशन पे स्किल मैटर करती नहीं। 14 सारी रेड अगर आपके पास है ब्रोकन वाले तो आप कोई भी मैच जीत सकते हो राइट। ये ऑलमोस्ट मैंने गोजिता का रिस्क लेके किया था और बच गया मेरा गोजिता, एनी हाउ बच गया भाई समझ लो। और यहाँ पर मैं नलीफाई कर दूँगा कवर को। ओके तो यहाँ पर की मिल जाएगी। ओके लेट्स गो, तो यहाँ पर स्विच टू कैफला। सो के कभी कभी ना ये दिक्कत होती है कि आप जो मैच जीत सकते हो दूसरे यूनिट से आप नहीं जीत पाते हो, ये भी सीन होता है। ओके लेट्स गो, तो यहाँ पर आराम से किल कर दूँगा, टैप कर सकता हूँ पर मैं जाऊँगा ब्लास्ट ले देता हूँ, हो जाता है कि नहीं गया। ओके लेट्स गो, और दो वर्ल्ड ड्रॉ हो जाता है और टाइम न्यूट्रल है क्या, कैफला टाइम कर पाएगी इसको। लेट्स सी, ओके लेट्स गो कैफला सेव, मतलब बच गई और काफ़ी मुझे लगा नहीं था कि टैप न्यूट्रल में बच पाएगी ये। ओके काफ़ी सही है। ओके क्लैश हो गया, धोखा बाकी इंपैक्ट। ओके लेट्स गो, जीतना पड़ेगा। 992 नाइस लेट्स गो। ओके तो आराम से जीत गई मैच और मेरे पास सेकेंड RRV फॉर्म्ड हो गई है, ओके तो मैं यहाँ पर इसको भाई बिल्कुल भी चांस नहीं दूंगा कि भैया आप जीतो मैच, आप मर जाओ भाई प्लीज़ डाई। ओके ब्लास्ट यूज़ करते हैं और यहाँ पर मैं फिर से ब्लू कार्ड जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। लेट गो लेट सी, उसने ब्लास्ट ही लिया, बढ़िया है यार। ओके लेट सी, तो कैफला का एक आपको प्रॉपर्टी पता हो कि जब भी मुझे मार खाती है उसका 20% वो रिस्टोर कर लेती है, उसका कोई टाइमर नहीं है। और इसी तक घुस जाऊँगा मैं और यह मैच खत्म। लेग जंप इनटू आवर नेक्स्ट मैच। ओके तो हमारा नेक्स्ट मैच आ चुका है और नेक्स्ट मैच जो अगेंस्ट है हमारी टीम, काफ़ी अच्छी टीम है उस बंदे की, मतलब फ्यूचर की टीम है,
13 स्टार वेजकू है और ट्रंक स्केल 5 स्टार पर ये, लेकिन ठीक है ओके भाई तुरंत गया आपने इसमें नाइस। तो आपको पता है जब केफला बैटल फील्ड में एंटर करती जब से ब्लास्ट होती है उसको स्ट्राइक में चेंज कर देती है और सीधे घुस जाऊंगा मैं क्योंकि ब्लास्ट आर्मर है ब्रो। ओरा 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 ओके सी स्विच टू वेजकू, मैं नहीं स्विच करने वाला, मैं नहीं स्विच करूंगा भले तुम्हारे पास 13 स्टार या 11 स्टार जो भी वेजकू है लेट्स गो। ओके स्ट्राइक स्ट्राइक ड्रॉ कर रही है नाइस, काफ़ी इंप्रेसिव डैमेज है यार। मतलब आप देखो एक ग्रीन यूनिट और एक 13 स्टार यूनिट को तो ब्लास्ट आर्मर है घुस जाओ सीधे। ओके तो इतना डैमेज काफ़ी था, उसे स्विच करना पड़ेगा अपना पर्पल यूनिट अगेंस्ट माई केफला जो कि 2 साल पुरानी यूनिट है गाइज। ओके यहाँ पर इसने मेरा वैनिश ख़त्म कर देगा ये, तो मुझे स्विच करना पड़ेगा नहीं तो फिर दिक्कत होगी। ओके लेट गो, ओके ग्रीन कार्ड से मेरे को हो जाएगा। ओके लेट गो, तो यहाँ पर गए ट्रंक्स के लिए, मैं तुरंत जाऊँगा अपने गोजिता के लिए। ब्लू कार्ड आई थिंक सारे कार्ड डिस्ट्रॉय कर देता हूँ इसके पहले, आई थिंक कॉम्बो ड्रॉप हो गया था राइट, वो स्विच नहीं कर पाया वहाँ पे। ओके लेट्स गो देखते हैं क्या होगा। ओके 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 ठीक, फिर से यही सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है ब्लास्ट आर्मर का, आप घुस जाओ कोई दिक्कत नहीं होती है। ओके तो यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ आरआर के लिए जाऊँ या फिर मेन एबिलिटी, तो ठीक है मेन एबिलिटी कर दी मैंने। ओके अब उसको स्विच भी कर दिया, तो ओके लेट्स सी क्या हम किल कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 30% पेंट भी है 100% सब 10 डैमेज का पेंट्रेशन भी करती है लेट्स सी। लेकिन ये बंदा बहुत टैंकी है, रियली टैंकी है आप, लेकिन देख लो बहुत टैंकी है, इससे टैंक कर गया ये। हाँ मैं थोड़ा सा वो आगे आ गया था ना तो मैं आराम कर देता इसको। ओके 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 लेट्स सी ओके आई थिंक ये ड्रॉप कर दिया इसने यहाँ पर डॉच साइड स्टेप। ओके तो ही इज़ डन, और यहाँ पर अगर ट्रंक्स भी आएगा तो ट्रंक्स भी मरेगा, और अब यहाँ पर बेच भी आएगा तो भी मरेगा भाई। इतनी स्विचेस क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है तू इतनी स्विचेस, वाई वाई ब्रो वाई डाई नाउ। ओके तो आई थिंक ये मैच हम जीत जाएंगे अगर ये गेस नहीं किया इसने, तो मतलब इजीली जीत जाते हैं। मतलब ट्रंक्स अभी भी वो टाइप न्यूट्रल जाता है जब 2 मिनट मर जाते हैं अपने मेन से, उसका मेन बचा हुआ अभी है। और लेट्स सी यहाँ पर आई थिंक गेस तो नहीं हुआ, तो इसका वेज भी पता है, मैं तो मेरी केफला आराम से इस मैच को जिता सकती है अकेले ही। ओके लेट्स सी ओके 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 तो यहाँ पर ओके मैंने वेस्ट किया, मैंने ये किया आई थिंक क्या है, ओ ब्लू कार्ड था तो ये तो अल्ट वेस्ट हो गया इसे। ओके ओके लेट्स सी एटेप नहीं किया आपने, ओके नाइस तो लेट्स सी क्या करता है, मैं ट्रंक्स में जाता अगर भाई भाई सुपर बेसिक गोजीटा है यार क्या कर रहा है। ओके ओके नाइस 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 ओके लेट्स सी जाओ, ओके नाइस इस बार नहीं घुसूँगा मैंने कैंसिल कर दिया था। ओके केफला मैं जाऊँगा और केफला में जाऊँगा सीधे ब्लू कार्ड करूँगा। ओके नाइस तो ये मरा, ओके ग्रीन कार्ड अब जो ट्रंक्स अगर मेन करता है तो नहीं करने का चांस मिलेगा क्योंकि मैंने इसको कैच कर लिया और एक काम ख़त्म, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट मैच। ऑलराइट तो नेक्स्ट मैच जो आप देख रहे हो अगेंस्ट गॉडकी बोलना ठीक रहेगा क्योंकि इस पर गॉडकी की ज़्यादा यूनिट्स हैं और ही यूजिंग यूआई 6-star यूआई, तो अगर एक भी बार कैच हुआ ना तो इसका काम ख़त्म कर दूंगा। और ये टाइम न्यूट्रल होता है गोकू 30 टाइमर काउंट या 40 टाइमर काउंट के लिए, ये है इसे मैंने ड्रॉप किया, यूआई पता था मुझे आने वाला है। और देखते हैं केफला हमारी कैसा कर सकती है, कम ऑन ड्यूड लेट्स गो यार इसके डिफेंसेस इतने खराब है ना यूआई के कि यार देखो एक ग्रीन यूनिट बीट रही है उसको। ओके साइड स्टेप एक बार और नहीं किया, नाइस नाइस एक बार जाने के बाद नहीं किया उसने। ओके तो यूआई को क्यों यार जब भी इसको जानकारी मिलेगी तो भाई इसको भाई फोकस करे डेवलपर्स की इसको यार डिफेंसेस मिले राइट, नहीं तो फिर यार बेकार है क्योंकि ऑफेंसेस अभी भी अच्छे हैं और यहाँ पर ये डबल टैप से ज़्यादा हो गया इसका। ओके तो यहाँ पर सीधे जाऊँगा अपने इसके लिए गोजीटा के लिए, और टाइप न्यूट्रल है गोकू था शायद 30-40 टाइमर काउंट के लिए, मैंने शायद ठीक याद नहीं मुझे बट है 30-40 टाइमर काउंट और इतना पीट रहा है। सीधे जाऊँगा अल्ट के लिए, देखता हूँ इसको सेव करता है या किसको लाता है ये। ओ वेजिटा को ला रहा है, आई थिंक वेजिटा वन शॉट भी हो सकता है लेकिन थोड़ा इसमें स्टार ग्रिंड की है, लेट्स सी आई थिंक टैंक कर सकता है। ओह लेकिन काफ़ी अच्छा खासा डैमेज हुआ, नाइस 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 नाइस, दो ग्रीन कार्ड है और यहाँ पर ओके नाइस ओके स्विच करूँगा मैं तुरंत। ओके ग्रीन कार्ड और स्ट्राइक कवर नलिफिकेशन होता तो अपना यूआई भी लाएगा, ये जो लाख गलती कर दिया खत्म बाय बाय। और इसको लाना नहीं चाहिए था, इसको पता नहीं है जो भी है
ओके इतना साइड स्टेप क्यों कर रहा है ब्लू। ओके लेट्स सी, लास्ट आर्मर घुस जाओ, घुसने वाला था घुसा नहीं। ओके भाई यार क्या ही बुरे दिन आ गए हैं बेचारे के। ओके नाइस 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 नाइस, अरे आई थिंक ये खत्म, बहुत ही गंदा हो गया भाई इसके साथ। ओके आई थिंक वन टैप दूर है ये बस। बाय बाय ब्रो, लेट्स जंप इनटू आवर नेक्स्ट मैच। Before.